चलिए शॉर्टकट मेथड एक्सरसाइज 4B, बच्चा सभी 8 का एक्सरसाइज 4B में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट देखिए जीवन में कहा गया है, आज थोड़ा सा डायलॉग फिर बता देता हूँ कि शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन जब भी कंपटीशन का तैयारी करो तो शॉर्टकट है कि नहीं, कहता है कि ट्रिक अपनाइए, बट फॉर द नॉलेज शॉर्टकट इज नॉट द वे ऑफ सक्सेस। इसका सेंस है कि हम लोग अपने जीवन में शॉर्टकट ट्रिक हुआ, जैसे लोग कहते कभी घूस दे देंगे या कभी हम याद एक ही दिन में पूरा पढ़ लेंगे, चलो कोई ट्रिक लगा करके पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, और शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाई का नहीं मतलब कैलकुलेशन का होता है, मैथ का कैलकुलेशन का है, लेकिन जीवन में सक्सेस करने के लिए शॉर्टकट काम नहीं आता है। मतलब शॉर्टकट का सेंस है वो शॉर्टकट जो हम सोचते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत कुछ जो है ना भी करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शॉर्टकट। तो चलिए यहाँ पे शॉर्टकट है इस इजी मेथड से आसानी से सॉल्व करना। क्लास 8 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4B है, आरएस अग्रवाल बुक से अलग अलग बुक में अलग अलग होगा। तो फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग यूजिंग शॉर्टकट मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे यूजिंग शॉर्टकट का अर्थ है, ये जो फॉर्मूला है दूसरा, दो क्वेश्चन हम लोग इससे कर लेंगे, 47 है इसका क्यूब, फिर इसी 3 को कर लेते हैं 68 का क्यूब। हम लोग को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए, शॉर्टकट के लिए, क्योंकि जब भी शॉर्टकट जाइएगा तो आपको कोई कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब 3a² b 3ab² एंड b क्यूब। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग को विजिबल है, देखिए यस, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और कैसे यूज होता है देखिए, ये ना कॉलम हम लोग बनाएंगे, चार कॉलम ऐसे करके, ए क्यूब और फिर 3a² b और 3ab² और बी क्यूब। देखिए इसमें क्या है, ऐसे तो आप 25 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये मेथड अगर आपको ध्यान में रहेगा तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को भी आप मतलब बड़ा बड़ा नंबर का क्यूब रूट आप निकालेंगे आसानी से। तो इसमें याद क्या रखना है, फॉर्मूला में थोड़ा सा सावधानी, जैसे देखिए यहाँ पे a पे पावर 3 है और यहाँ a पे पावर 2 है, यहाँ पे a पे पावर 1 है और यहाँ a है नहीं, मीन्स a जो है a का पावर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है और b का पावर धीरे धीरे बढ़ा है। देखिए यहाँ b नहीं है, यहाँ पे b पे 1 है, यहाँ पे b पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, a का पावर डिक्रीज हुआ और b का पावर इंक्रीज हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना है जब आप अरेंज करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर है जिसका आप क्यूब रूट क्यूब निकाल रहे हैं, इसमें से फर्स्ट डिजिट को a मान लेना है और जो दूसरा डिजिट है इधर से मतलब पहला 2 हो गया a और b मान लीजिए 5 को, और उसको इसमें रखना है। यहाँ पे a का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब और यहाँ पे है 3a² मीन्स 2 का स्क्वायर और फिर 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 3 फिर a, इतनी जगह पे आपको क्या रखना है 2 और 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 का क्यूब। आपको पता है 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 8,
चलिए यहाँ पे टू टू जा फोर, फोर थ्री जा टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी। यहाँ पे सिक्स टू जा टेन, थ्री टू जा सिक्स और ये ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स वन फिफ्टी और इधर वन ट्वेंटी फाइव। आप देखिए क्या किया है हम लोग, तीन कॉलम बन गया है, ठीक है, ये कॉलम बन गया है। तो यहां पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया केवल। अब आपको क्या करना है ना, इसका फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन कीजिए और जो बच गया है, क्या बचा है, ट्वेल्व, तो इस ट्वेल्व को यहाँ पे प्लस कर देना है सेवन सिक्स वन। तो इसको जब आप इसमें प्लस कर दिए तो ये आया, इसका फिफ्थ फर्स्ट डिजिट आप अंडरलाइन कर दीजिए, जो रेस्ट बचा है उसको यहाँ पे प्लस करना है सिक्स एंड सेवन, इसका फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन कीजिए, जो रेस्ट बचा उसको यहाँ प्लस करना है, ये हो गया फिफ्टीन। लास्ट में सबको अंडरलाइन करना है और जितने भी अंडरलाइन नंबर है, डिजिट है, उसको लिखना है। अब यहाँ पे आप लिखिए ट्वेंटी फाइव का क्यूब इक्वल टू, इधर से वन फाइव, यहाँ पे सिक्स सेवन एंड फाइव, ये हो गया। क्या ट्रिक था, इस फॉर्मूला के को एक कॉलम में सजा लिए, पहला डिजिट ए हो गया, दूसरा डिजिट बी हो गया और इसमें आप रख दीजिए, सॉल्व कर लिया तीनों को। फिर इसका फर्स्ट डिजिट राइट से अंडरलाइन करना है, जो बचा नेक्स्ट में प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आया उसका फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन करेंगे राइट से और रेस्ट को आगे ऐड करेंगे। फिर इसको प्लस कीजिए सिक्स को यहाँ और सिक्स प्लस वन सेवन, ये अंडरलाइन फर्स्ट डिजिट, रेस्ट को आगे ऐड कीजिए और लास्ट में जो बचा सबको, और फिर ये आ गया। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक हुआ इसको सॉल्व करने का। बोलेंगे तो जल्दी है नहीं, आप इसको शॉर्टकट ट्रिक ही कहते हैं और इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी फास्टली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग 47, 47 के लिए ये बी नंबर, ये हम लोगों ने ए नंबर बनाया, अब हम लोग बी नंबर बनाएंगे। तो बी नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो डिजिट इसमें 4 एंड 7 है, तो ए की जगह पे आप क्या आ जाएगा 4, पहले तो ये नंबर बी दीजिए, ये हो गया हमारा। और बी के जगह पे 5 नहीं, बी के जगह पे 7, ए के जगह पे ये 4 और बी के जगह पे 7 बनाना। तो चलिए यहाँ पे आप इसमें से वैल्यू को हटाइए, यहाँ पे 4 का क्यूब, फिर 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 7, फिर 3 इंटू 4 इंटू 7 स्क्वायर और फिर 7 का क्यूब। यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे क्या, 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, 3 4 कैरी 6 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 6 30 सॉरी 34, तो ये 343। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और इधर 3 4 जा 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 98 और 1 से 49 5 588, इन चारों को तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 7, 8 7 जा 56, 6 5 7 4 जा 28 प्लस 5, 7 4 जा 28 प्लस 5 कितना हो गया 33, तो 3 3 6 और यहाँ 4 का क्यूब 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व करके ये आ गया, इसको सॉल्व करके ये आया, देखिए यहाँ पे लिख दिए, फिर इसको सॉल्व करने से ये आया है ना, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 इंटू 7 यहाँ पे कर लिया। ये चीज अब आप सबको लिख लिए हैं, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, वैसे ही प्लस करना है, पहले फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन,
जो बचा आगे ऐड कीजिए, टू एट थ्री इलेवन, वन ट्वेल्व, टू वन कैरी, सिक्स फर्स्ट अंडरलाइन कीजिए, रेस्ट बचा आगे ऐड कीजिए, सिक्सटी टू, एट नाइन थ्री, थ्री फर्स्ट अंडरलाइन कीजिए, जो बचा आगे ऐड कीजिए, थर्टी नाइन, नाइन फाइव, नाइन फोर, थर्टीन थ्री, वन कैरी, सिक्स थ्री नाइन, वन टेन, लास्ट का सारा डिजिट अंडरलाइन करना है। टोटल इधर जितना रहेगा सबका सिर्फ फर्स्ट डिजिट और लास्ट में टोटल डिजिट, तो आपको 47 का क्यूब कितना हो जाएगा, 103, फिर 8, फिर 2 एंड 3, सारे अंडरलाइन डिजिट को लिख देंगे। इस तरीके से आप 68 का जब निकालेंगे इसका स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले लेंगे आप। फिर हम लोग 68 का अगर फाइंड करेंगे तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, चलिए 6 रखेंगे और बी की जगह पे 8 रखेंगे। सिक्स का क्यूब हो गया फिर 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 8, फिर 3 इंटू 6 इंटू 8 का स्क्वायर, फिर बी 8 का क्यूब। इसको देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, फिर ये तीन बार करेंगे तो 500, 512 आएगा, यहाँ 512 लिखिए, और फिर इधर 6 थ्री जा 18 और 8 टू जा 8 इंटू 8 64, चलिए 8 8 फोर जा 32, 2 3 कैरी, 8 6 जा 48, चलिए 48 एंड 3 कितना हो गया 51, फिर इससे 64, 2 5 11 हो गया 1152। नेक्स्ट यहाँ पे लीजिए, अब इसका 3 3 8 जा 24 कर दीजिए और इधर 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, चलिए इसे 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, ओके 3 1 3 2 जा 6 1 7 फोर सिक्स एट, यहाँ पे 864 और 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 करिएगा 36 इंटू 6 ये 216 हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट डिजिट इसका अंडरलाइन, रेस्ट क्या बचा 51 यहाँ पे प्लस कीजिए, 3021 फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन, 120 यहाँ पे आएंगे, 489, 1 कैरी, 98 यहाँ पे प्लस कीजिए, 8 से 14 से 4, 9 10 11 यानी 1 और इधर हो गया 3। फिर यहाँ पे लास्ट में सारा अंडरलाइन करना है। तो अब आप क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 68 का क्यूब इक्वल टू 314, फिर 4, फिर 3 एंड फिर 2, इसको टोटल को लिख लीजिए। इस तरह से ये अंडरलाइन कर लेंगे, बनाएंगे आप।